अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। ड्रामा सीरियल मेरी बाजी में काफ़ी चेंजेस आ गई हैं। आप देखेंगे कि राबी की जिंदगी काफ़ी बदल गई है। वो राबी जो सब पे अपना रोब जमाती थी, अब वो किसी के खाते में ही नहीं आती। तो राबी गुस्सा होती है और कहती है, अम्मा देखना मेरा फिर से वही दौर आएगा, आप लोग फिर से मेरी तारीफें करोगे, मेरे आगे पीछे फिरोगे, लेकिन फिर मैं किसी को गास भी नहीं डालूंगी, देख लेना अम्मा। तो अम्मा कहती है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। आहत के घर में इतने दिन गुजार आई, लेकिन वहां से क्या ले आई, खाली हाथ ही आई हो ना, तो अब खाली हाथ ही रहोगे। जिस पर राबी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, अम्मा मुझे फिर से काम करना है, आप मेरे लिए काम ढूंढें। तो अम्मा कहती हैं, ठीक है मैंने तुम्हारे लिए एक पूरी अम्मा से बात कर ली है। और राबी अगले दिन जब वहाँ जाती हैं तो राबी की किस्मत फिर से खिल उठती है, क्योंकि राबी को फिर से वहाँ आहत से भी ज़्यादा प्यारा शख्स मिल जाता है। और राबी तो बस उसे देखती रह जाती हैं, राबी हवाओं में उड़ने लगती हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और कहती हैं कि जब किस्मत में खुशियाँ लिखी हो तो उसे कोई छीन नहीं सकता, और मेरी किस्मत में खुशियाँ लिखी हैं, अब मैं हमेशा खुश रहूँगी। राबी की ये खुशफहमी होगी या फिर उसकी बदकिस्मती का आगाज़, कमेंट में अपनी राय का इजहार करना ना भूलेगा। और राबी को फिर से खुशियाँ मिलनी चाहिए या फिर राबी को हमेशा एक नौकरानी बन के रहना चाहिए? क्या उसे एमन की ज़िंदगी ख़राब करने की सज़ा मिलती रहनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय का इजहार करना ना भूलिएगा। आपको मेरी बाजी के ये एपिसोड्स कैसे लगे ये भी बताइएगा। थैंक यू।